जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों दोस्तों, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और हमारे हिंदू धर्म में श्री कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं को याद करने के लिए इस त्यौहार को मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, सभी हिंदुओं का त्यौहार ये नहीं है। जैसे कि हम बात करें दलितों की और अनुसूचित जाति के लोगों की, जिन्हें चमार और महार जाति के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये खुद बात कही है कि हिंदुओं का त्यौहार नहीं है जन्माष्टमी। जी हाँ दोस्तों, जब एक बार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भगवान के दर्शन करने मंदिर में जा रहे थे, तो एक ब्राह्मण ने उनको अछूत कहकर मंदिर के बाहर कर दिया था। दोस्तों, तभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म में परिवर्तन कर लिया था, जो कि उन्होंने हिंदू धर्म का त्याग किया था। तब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म में परिवर्तन करते हुए ये बात बताई थी। जी हाँ दोस्तों, बात कुछ इस तरह थी कि मैं हिंदुओं के किसी देवी देवता की पूजा नहीं करूँगा और ना ही मैं ऐसे भगवान को मानता हूँ जो कि ब्राह्मणों और ऊंची जाति का हो। मैं केवल बौद्ध को मानता हूँ, जिसका सच्चा धाम है, जो कि नेक नियत का रास्ता दिखाता है। और बात तो यह है दोस्तों, जो लोग अम्बेडकर को सच्चे दिल से मानते हैं, वो आज के समय में कोई भी त्यौहार नहीं मनाते जो कि भगवान के ऊपर आधारित हो। दोस्तों, वे केवल गुरु रविदास और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गौतम बुद्ध की पूजा करते हैं, क्योंकि दोस्तों वो लोग अच्छे से जानते हैं कि उनको अछूतों की जिंदगी से आज़ादी दिलाने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। जो जाति आज आदर और सम्मान की जिंदगी जी रही है, वो जाति केवल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है। जी हाँ दोस्तों, यदि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने चमार जाति के लिए अपनी लड़ाई ना लड़ी होती, तो आज शायद इस जाति का नाम और निशान भी ना होता। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जय भीम साथियों।